तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मंगलवार को दोनों राज्यों में अब तक कम से कम 15 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा हाहाकार हैदराबाद में मचा है। तबाही के इस मंजर का कारण बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव के कारण बताया जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो तेलंगाना में बीते 30 वर्षों से इस तरह की बारिश नहीं हुई। हैदराबाद में तड़के लोगों के ऊपर घरों के बोल्डर गिर पड़े, जिससे 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर केरल में भी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, सभी जिलों के प्रशासन को अलर्ट किया गया है। हैदराबाद के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर तक की बारिश दर्ज की गई है। हैदराबाद में बाढ़ जैसी स्थिति की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए बोट का इस्तेमाल किया गया। राज्य की आपदा राहत फोर्स और फायर सर्विस टीम ने टोली चौकी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बाहर निकाला।